Hola a todos. Bienvenidos a nuestras clases de Bol Español with Simmit. So, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पैनिश में टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. द वन इज वेर्बोस रेगुलारिस एंड द अनदर इज वेर्बोस इररेगुलारिस. सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेर्बोस रेगुलारिस व्हिच मींस रेगुलर वर्ब्स. सो स्पैनिश में वेर्बोस रेगुलारिस थ्री टाइप्स के होते हैं. बेसिकली इनकी थ्री एंडिंग्स होती हैं. द वन इज ए आर एंडिंग वर्ब एंड द अनदर इज आई आर एंडिंग वर्ब एंड द थर्ड वन इज ई आर एंडिंग वर्ब. सो जैसे कि हम लोगों ने अपनी पहले वीडियो में देखा था कि देर आर सिक्स केसेस ऑफ प्रोनोम्स पर्सोनालिस पर्सनल प्रोनाउंस. उन्हीं सिक्स केसेस के हिसाब से हम लोग हर एक वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ यो टू एल एजा उस्तेद and nosotros nosotras vosotros vosotras and ellos ellas ustedes. Okay, so let's take some examples of verbos regulares with ar ending. For example, hablar which means to speak. अगर हम इस verb को conjugate करें तो इसका root same रहेगा, only इसकी ending change होगी which is ar in a particular manner which goes like o, as, a, amos, ais, an. एंड अब हम इन एंडिंग्स के हिसाब से अगर आबलार वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा. यो आबलो तू आबलास एल एजा उस्तेद आबला नोसोत्रोस नोसोत्रास आबलामोस वोसोत्रोस वोसोत्रास आबलाइस एजोस एजास उस्तेदस आबलान. सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एआर एंडिंग वर्ब. कांतार टू सिंग, बायलार टू डांस, व्याखार टू ट्रैवल. And so on, हम और AR ending regular verbs को इसी तरीके से conjugate कर सकते हैं. Now, let's take some examples of ER ending regular verbs. Comer, to eat. अगर हम इस verb की conjugation करते हैं, so the root will remain same, only ending will change, which is ER in a particular manner. It goes like O, S, A, Amos, A's, A'd. अगर हम इस वर्ब कोमेर को कॉन्जुगेट करते हैं सो इट गोज लाइक जो कोमो तू कोमेस एल ए या उस्तेद कोमे नोसोत्रोस नोसोत्रास कोमेमोस वोसोत्रोस वोसोत्रास कोमेइस एयोस एयास उस्तेदेस कोमेन. नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ईआर एंडिंग वर्ब्स. लेर टू रीड, बेबेर टू ड्रिंक, क्रेयर टू थिंक और टू बिलीव. Now let's move to the third category which is IR ending of regular verbs. For example, vivi which means to live. इसको भी हम लोग बिल्कुल similar manner से conjugate करते हैं. इसमें भी इसका root will remain the same and इसकी सिर्फ ending change होगी which is IR in a particular manner which goes like O, es, A, emos, is, N. अगर हमें इस verb को conjugate करना है using these endings तो वो कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेट होगा. यो विवो तू विवेस एल एजा उस्तेद विवे नोसोत्रोस विविमोस वोसोत्रोस विवीस एजोस एजास उस्तेदेस विवे. नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ आईआर एंडिंग वर्ब्स. एस्क्रीबीर टू राइट, डेस्क्रीबीर टू डिस्क्राइब, आब्रीर टू ओपन एंड सो ऑन. इन्हीं एंडिंग्स को यूज करके इस वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकते हैं आई आर एंडिंग वर्ब्स को. एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्जुगेट द गिवन वर्ब्स जो हमने आपको सिखाई हैं. फॉर एग्जाम्पल कांतार, बायलार, बेबेर, लेर, एस्क्रीबीर और डेस्क्रीबीर. या सो द बोनस वर्ड और आई मस्ट से एक्सप्रेशन ऑफ द डे इज एस्टॉय आर्टो दे और व्हेन आई एम फेड अप ऑफ समथिंग. For example, estoy harto de Sanmit. I'm fed up of Sanmit. Oh, for example, estoy harto del hermano de Simran. Hola. Thank you so much for watching this video and do subscribe our channel. Also, follow our Instagram page which is Bol Spanish. Adios. Muchísimas gracias.